महंगाई का तूफान जोरों पर, मुर्गी भी हाथ आने को तैयार नहीं। सब्जियां तो सब्जियां, दालें भी पहुंच से दूर, खाएं तो क्या खाएं। आवाम की दुहाई, दो वक्त की रोटी पूरी करना इम्तिहान बन गया। महंगाई का एक के बाद एक वार, आवाम हो गए लाचार। यूटिलिटी स्टोर हुए महंगे अब की बार, एक दम से दर्जनों ब्रांड एशिया की कीमतें बढ़ाकर आवाम को महंगाई का नया टीका लगा दिया गया। शैम्पू, साबुन, सर्फ, केचप, नूडल्स समेत दर्जनों अशिया महंगी। यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करने वाले शहरियों ने सर पकड़ लिया। बहावल नगर में आटे का बहरान संगीन हो गया। शहरी आटे के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। सस्ता आटा नायाब जबकि महंगा मजीद महंगा हो चुका। बच्चों को क्या खिलाएं, शहरियों की दुहाई। जलालपुर पीरवाला में कायम सरकारी आटे के पॉइंट्स पर रश, दम घुटने से खातून बेहोश। इंतजामिया की जानिब से आटा पॉइंट्स पर आवाम के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए, शहरियों का शिकवा। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला इन एक्शन, पाक पतन शरीफ में आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए 6 आटे के सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए, शहरियों ने सुख का सांस लिया। गरीब की सवारी सस्ती न रही, रेलवे के किराए भी बढ़ा दिए गए। मुसाफरों के लिए सफर करना भी मुहाल हो गया। मुसाफरों को कहना है कि किरायों में इजाफे के बावजूद भी सहूलियात न होने के बराबर है। इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल, सहवन शरीफ में पीने का साफ पानी नायाब। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुनासिब देखभाल ना होने के सबब नकारा हो गए। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर, टैंकर माफिया की चांदी हो गई। बहावल नगर में ट्रांसपोर्ट माफिया गुंडागर्दी पर उतर आया। मामूली तल कलामी पर सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक तालिब इल्म जख्मी हो गया। तलबा का शदीद एहतजाज, पुलिस की जानिब से मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। मुसाफिर बस के अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज।